दोस्तों तेज बारिश शुरुआत हो चुकी है और बारिश की वजह से हमारा काम यहीं पे रुक गया है दोस्तों। तो जैसे ही बारिश रुकती है तो हम आगे का काम स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक रुकना पड़ेगा। और जो हमारी बारिश बहुत आ रही है और रात भी हो चुकी है और जो हमारी भट्टी थी वो बुझ चुकी है, आप देख रहे हैं। ये मेटल के ड्रम्स है जो हमने यहाँ पे मशरूम की खेती के लिए जो पानी गर्म करना पड़ता है, अरे देखें थोड़ा सा थोड़ी भट्टी जल रही है आप देख सकते हैं, मगर जो तेज़ बारिश हो रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बुझ जाएगी। तो तेज़ बारिश में हवाएं भी बहुत तेज़ हैं, ठीक है, और ऐसे लग रहा है कि भट्टी बुझ जाएगी। पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, दो ड्रम्स हमने लगाए हैं, तो देखते हैं कब तक ये चलता है करके, ठीक है। बहुत तेज़ बारिश है, ठीक है, वेट एंड वॉच। धुआं तो अभी निकल रहा है बारिश की वजह से। दोस्तों गाड़ी में हमने हमारा जो पुराना घर है ना गांव में, वहाँ पे हमने भूसा रखा है, तो भूसे को भर के लाए हैं हमने चुंगड़ियों में। तो अगर बारिश रुकती है और पानी प्रॉपर गर्म हो जाता है तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं आगे की प्रोसीजर, नहीं तो फिर हमें अगर बारिश नहीं रुकती है तो रात भर हमें रुकना पड़ेगा और अगली प्रोसीजर हमें कल सुबह ही हम शुरुआत कर सकेंगे। तो स्टे ट्यून, आपको हम ताज़ा हाल मशरूम खेती का देते रहेंगे और हमारी जो सारी मशरूम खेती की जो प्रोसीजर है वो हम बताते रहेंगे। ये एक सेमी हाईवे रूट है जिसका अभी काम हमारे घर के आगे से चालू है, हमारे प्लांट के आगे से चालू है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भट्टी का धुआं निकल तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी क्या होता है। तो अगर बारिश रुकती है तो आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। शाम के 8:30 बज चुके हैं और बारिश रुक चुकी है, तो हमारी जो भट्टी है अभी भी जल रही है। तो अभी देखिए हमारी भट्टी है अभी भी जल रही है और इसमें हम लकड़ियाँ लगा रहे हैं। दूसरी भट्टी भी शुरू कर दी है हमने, दो एक साथ हम लगा रहे हैं। दो ये 200 लीटर पानी के ड्रम हैं, इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आप देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों पानी हमने ड्रम में पानी डाला हुआ है और आप देख रहे हैं कि पानी से अभी तक भाप, थोड़ा थोड़ा भाप निकलना शुरू हुआ है, ठीक है। जब तक पानी में थोड़ा सा उबाल नहीं आता है तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे आगे की प्रोसीजर, ठीक है। तो जैसे ही पानी में उबाल आता है हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये ड्रम भी आप देख सकते हैं, इसमें तो भाप नहीं निकल रही है ज़्यादा क्योंकि ये लेट शुरू किया है थोड़ा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है, आप साथ में जुड़े रहें। कंटिन्यूसली हम अभी वीडियो डालते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये ड्रम हम कैसे फिल करते हैं, फिर इसमें से पानी कैसे रिमूव करते हैं और इससे मशरूम के बैग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ट्यून रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कुछ समस्याएँ होंगी तो हमें कमेंट्स करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।